हेलो बच्चों, अब हम पूर्ण संख्याओं को घटाने के दो गुणों के बारे में जानते हैं, संवृत्त गुण क्लोजर प्रॉपर्टी और क्रम विनिमेय गुण कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम कुछ और गुणों को जानते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन पूर्ण संख्याएं 2, 4 और 6 है। चलिए इन्हें अलग अलग समूह बनाकर घटाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम 6 और 4 का समूह बनाते हैं इक्वल टू, सबसे पहले हम 6 और 4 को घटाएंगे इक्वल टू 2, और अब 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और अब 6 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस 2। चलिए सबसे पहले हम 4 माइनस 2 घटाते हैं, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याओं को घटाने के दौरान समूह बदलने से परिणाम भी बदल जाता है। तो संख्याओं के व्यकलन या घटाने में सहचर्य गुण यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होती है। चलिए अभी ने घटाते हैं, तो 3 माइनस 0 और 9 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3 और 9 माइनस 0 इक्वल टू 9। हमें फिर से वही पूर्ण संख्या मिल गई है, इसलिए 0 को पूर्ण संख्याओं के व्यकलन या घटाने के लिए तत्समक अवयव यानी कि आइडेंटिटी फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। यह पूर्ण संख्याओं के व्यकलन या घटाने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहते हैं। तो जब भी हम किसी भी पूर्ण संख्या में से 0 को घटाते हैं तब परिणाम में वही संख्या वापस मिलती है। तो चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि आज हमने घटाव या व्यकलन की किन दो गुणों के बारे में जानकारी हासिल की है। जब पूर्ण संख्याओं को घटाने के दौरान समूह बदलने पर परिणाम में भी बदलाव आ जाता है, सहचर्य गुण या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर ब्रैकेट 6 माइनस 4 माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस अंडर ब्रैकेट 4 माइनस 2। तो किसी भी पूर्ण संख्या में से 0 घटाने पर परिणाम वही संख्या स्वयं ही होती है। तो अभी के लिए इतना ही। बाय बाय बच्चों।